यह प्रेम कहानी एक ऐसे लड़के की है जो लव के बारे में कुछ नहीं जानता था। वह अपने जिंदगी से काफी खुश था। वह अपने दोस्तों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता था, पर वह कहते हैं न कि सारे दोस्त दोस्ती की कदर नहीं करते हैं। इस लड़की के सारे दोस्त उसका और उसके पैसों के लिए दोस्त थे, पर अफसोस उस लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन उस कुदरत ने कमाल किया। उस कॉलेज में एक लड़की आई और उसे सेक्शन में जिसमें वह लड़का पढ़ता था। उसके सारे दोस्त उस लड़की को देखकर पागल से हो गए। वह लड़की वाकई ही सुंदर थी। उस लड़के के एक दोस्त को ही उस लड़की से प्रेम हो गया। उसने यह सब उस लड़के को बताया। इस पर वह लड़का हंसा और बोले, अरे यार, यह प्रेम क्या होता है? अगर तो उसे पसंद करता है तो जा और उस लड़की से सीधे बोले दे, उद्धरण चिन्ह। इस पर दोस्त ने कहा, वह नहीं मानी तो क्या होगा, उद्धरण चिन्ह। लड़के ने कहा, डर मत, मान जाएगी। उस दोस्त ने वैसा ही किया जैसा उसके दोस्त ने कहा था, लेकिन वह लड़की नहीं मानी। वह दोस्त बहुत ही उदास हो गया। उसने उस लड़के से उस लड़की के न मानने की बात बताया। उस लड़के ने अपने दोस्त को समझाया और कहा, अब मैं उस लड़की को तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। उस लड़के ने अब उस लड़की को अपने पास लाने के लिए प्रयास करने लगा, पर वह लड़की इतनी आसानी से किसी लड़के पर भरोसा नहीं करती थी। उसे सिर्फ बात करने के लिए करीब 3 से 4 महीने लग गई। जब बात शुरू हो गई तो हर बातें शुरू हो गई। अब तो हर रोज की बातें होने लगी, घर की बात हो या बाहर की बात हो। अब हर काम वह दोनों साथ करते थे। वह काम कॉलेज का प्रोजेक्ट हो या नोट बनाना हो, अब वह लड़का ज्यादा से ज्यादा समय उस लड़की के साथ बिताने लगा। वह लड़का अपने दोस्तों के साथ कम से कम समय बिता था। उसके दोस्त उसने पसंद तो करते ही नहीं थे। एक दिन उसके दोस्त ने उस लड़के से कहा, तुम तो उस लड़की को मेरे लिए अपने पास लाए हो, तो तुम उससे थोड़ा दूर ही रहो। उस लड़के ने कहा, भाई वह तुम्हारी ही है। एक दिन उस लड़के ने सोचा, मैं क्यों ना उस लड़की को सारी बात बता दो और अपने दोस्त को उसका प्रेम दे दूं। उस लड़के ने यह सोचकर उस लड़की का यह बात बताने को चला, पर जैसे ही वह उसके सामने आया तो यह बात कहने से डरने लगा। उस लड़के के चेहरे पर उदासी देखकर उस लड़की ने कहा, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। उस लड़के ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। फिर वह अपने दोस्तों के पास गया, पर किसी दोस्त को उसकी उदासी नहीं दिखी। वह समझने लगा था कि उसके दोस्त उसकी कितनी कदर करते हैं। उसने किसी भी दोस्त से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। फिर वह अपने दोस्तों के पास गया, पर किसी दोस्त को उसकी उदासी नहीं दिखी। वह समझने लगा था कि उसके दोस्त उसकी कितनी कदर करते हैं। उसने किसी भी दोस्त से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब उस लड़के को उस लड़की से धीरे धीरे लव होने लगा। वह अब उस लड़की को खोने डरने लगा। जब वह उस लड़की के बारे सोचता तो उसका दोस्त याद आता, और जब दोस्त के बारे में सोचते तो उस लड़की का याद आता है। इसी बीच उस लड़की ने अपनी बहन ने उस लड़के को मिलने को बुलाया। उसकी बहन ने लड़के से मिली। उसने कहा, तुम लोग कभी किसी बात को जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम दोनों किसी को धोखा मत देना, उद्धरण चिन्ह। यह बात उस लड़के के आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अब वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहाँ से दो रास्ते जा रहे हो, एक दोस्ती की ओर और दूसरा लव की ओर। वह कुछ भी नहीं तय कर पा रहा था, पर वह कहते हैं न कि आप अपने रास्ते खुद चुन लीजिए, वरना वक्त आपका रास्ता चुन देगा और आप अफसोस करते रह जाएंगे। कॉलेज का आखिरी साल का था, करीब 6 महीने होने को हो गया। उसके दोस्त अब उस लड़के से काफी चिढ़ गए थे। उन्होंने उससे बदला लेने को चाहा। एक दिन की बात है, वह लड़का अपने कॉलेज से घर जा रहा था, तभी उसके कुछ दोस्त वहाँ आए और अपने साथ वह अपने दोस्त लेकर आए। उस लड़के के एक दोस्त ने कहा, मैंने तुम उस लड़की से दूर रहे को कहा था, पर तुम इस तरह नहीं मानोगे, जब तुम्हें लात पड़ेगी तब सब कुछ समझ जाओगे। फिर उस दोस्त ने अपने दोस्तों से कहा, ऐसे अच्छे से समझा दो। फिर क्या था, सारे लड़कों ने उसे खूब मारा और वह से चले गए। उस लड़के ने इतनी मार खा ली थी कि वह कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। इधर वह लड़क उसका रोज इंतजार कराती थी। जब उस लड़की से रहा नहीं गया तो उसने उसके दोस्तों से पूछ, वह कहा है? किसी भी दोस्त ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वह लड़की बहुत ही परेशान हो गई, पर अब वह क्या कर सकती थी। कुछ ही दिनों के बाद वह लड़का कॉलेज आता है। उस लड़की ने उस लड़के से यह सब होने का कारण पूछा। उस लड़के ने उसे सारी बात बताया, जो भी हुआ। उसने बताया कि वह उसके पास अपने दोस्त के लिए आया था। उस लड़के ने यह भी बताया कि उसने अपने दोस्त को तुम्हें देने को कहा था।
यह सब सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही रोई। उस लड़की ने कहा, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुम मुझे दुकान से खरीद कर अपने दोस्त को दे दो। मेरा भी दिल है और उसमें धड़कन है। अगर ऐसा कुछ मैं क्या होता तो तुम क्या कहते और करते, बोलो। इसके बाद उस लड़की ने कहा, आज के बाद तुम कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। चले जो, मैं तुम पे भरोसा करके गलती कर दी। यह कहकर वह लड़की वहां से चली गई। इसके बाद वह लड़का बहुत ही कोशिश की वह उस लड़के से बात कर सके, पर वह सफल नहीं हो सका। कुछ ही दिनों के बाद कॉलेज में परीक्षा शुरू हो गई। दोनों ही परीक्षा में लग गई। जब परीक्षा खत्म हुआ तो वह लड़की इसके बाद उस लड़के को कभी नहीं दिखी। वह लड़का उस लड़की को बहुत ही खोजा पर वह कहीं नहीं मिली। वह उसके घर भी गया पर वह से उसके घर वाले चले गए थे। इस तरह एक प्रेम कहानी खत्म हो गई। फिर भी वह लड़का आज तक उस लड़की का इंतजार कर रहा है। प्रेम कहानी की शुरुआत इत्तफाक से शुरू हुई और शुरुआत की झूठ ने उस प्रेम कहानी को खत्म कर दिया। वह कहते हैं, न कि आसान होता है मोहब्बत की शुरुआत करना, मुश्किल होता है मोहब्बत को मुकम्मल मोहब्बत बनाना। लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।